इस वक्त हम आ गए हैं जामा मस्जिद के पास वारसी स्वीट्स में, और वारसी स्वीट्स की छोटी सी दुकान है, लस्सी कॉर्नर है, और बहुत फेमस है उन्नाव की टॉप लस्सी। अगर आपको पीना है तो जामा मस्जिद के पास आप आइए। और ये छोटा सा एक काउंटर है जो शाम को लगता है, रमज़ान का महीना चल रहा है, और रमज़ान के मुबारक महीने में ये छोटे से काउंटर का जो इनका स्वाद है ये वर्ल्ड फेमस है। पूरे उन्नाव और कानपुर में इस तरह की लस्सी आप कहीं नहीं पाएंगे। तो वारसी की लस्सी है, और हम जानेंगे ये लस्सी किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पिस्ता है, बादाम है, और तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, दही है। तो वारसी भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वारसी भाई क्या बना रहे हैं? लस्सी बना रहे। तो बना के दिखाएं हमारे दर्शकों को कि आप लस्सी में क्या क्या मिलाते हैं, किस तरह से बनाते हैं। तो ये दही इन्होंने मिलाया अपनी लस्सी में, और दही मिलाने के बाद उसमें ये चीनी मिलाते हैं, और अच्छी चीनी है, थोड़ा सा नमक। ये देखिए, ये थोड़ा ट्विस्ट है कि थोड़ा सा नमक भी, और ये गुलाब जल मिलाने के बाद, और ये है रू अफ़ज़ा। रू अफ़ज़ा बहुत ही स्वादिष्ट, और उसके बाद इसको मथते हैं। तो कितनी देर मथते हैं इसको आप? सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट इसको लगातार मथते हैं, जिससे ये जो लस्सी है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो वासी भाई, रमज़ान चल रहा है, कैसे चल रहा है बिजनेस? बहुत बढ़िया चल रहा है, अल्लाह का करम है। छोटी दुकान है आपकी, काउंटर लगाते हैं, कितना वक्त हो गया लगाते हुए? हमें हो गया करीब 1 महीना हो रहा समझ लो। 1 महीना, क्योंकि रमजान के उससे और कस्टमर ठीक ठाक आते हैं। हाँ, बराबर आते हैं। बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा, एक हुंडा आपका, ये प्राइस क्या रखा है आपने लस्सी का? प्राइस क्या है? 25 रुपये या 30 रुपये की लस्सी। और देखिए लस्सी में जिस तरह से आप देखें कि प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि लस्सी आपकी बन गई है तो आप निकाल के दिखाएं, और क्या क्या मिलाते हैं वो हमारे दर्शकों को दिखाएं। तो भाई ये लस्सी मथ रहे हैं, और ज़बरदस्त, आप देखिए किस तरह से क्या टेक्सचर आ रहा है, और इसका कलर देखिए आप, क्योंकि गुलाब जल मिला हुआ है तो हल्का क्रेविश आ रहा है, अंदर लग रहा है कोई मशीन चल रही है, और बहुत बढ़िया मथ रहे हैं, और मुझे लगता है कि लस्सी तैयार हो गई। बड़ा हुंडा तैयार कर रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। और ये देखिए, इसके बाद ये क्या डाला भाई आपने? मलाई, ये मलाई डाली इन्होंने, और ये डाला काजू, हालांकि थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया, क्या बात है भाई, बादाम डाला, और किशमिश भी ये देखिए डाल दिया, वाह भाई वाह। और ये देखिए चेरी डाल दिया, इसके बाद ऊपर से रूअफ़ज़ा डालेंगे, और ये क्या ज़बरदस्त, देखिए मज़ा आ गया भाई, वाह। और ये पूरा जो है ये, और ये लस्सी तैयार हो गई है, ज़बरदस्त टेक्सचर मिल रहा है देखने को, और ये बहुत बढ़िया। और ये हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, टेस्ट करके बताएंगे कि लस्सी कैसी है। कैसी लस्सी है? ज़बरदस्त सी है। क्या बोला आपने? बहुत एक नंबर की लस्सी है, बहुत अच्छी लस्सी है, मज़ा। क्या बात है। तो हम बात करेंगे भाई, अब टाइमिंग बता दीजिए, कितने बजे आपकी दुकान खुलती है? 3 बजे से 10 बजे तक। और हाँ, ये, अब ये जो लोकेशन बता दीजिए, पता भी कहाँ पे लोग अगर आना चाहें तो? जामा मस्जिद AB नगर, AB नगर जामा मस्जिद के पास ये दुकान है वारसी स्वीट्स के नाम से। तो एक बहुत छोटा सा काउंटर, लेकिन नो डाउट इनका जो लस्सी है, इनका जो लस्सी का स्वाद है, ये पूरे उन्नाव में बहुत फेमस है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। मैं तो आपसे कहूँगा, जितने भी हमारे फूड वाला के दर्शक हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप लस्सी पीना चाहते हैं उन्नाव में ढंग की, तो छोटी सी दुकान पर मत जाएँ, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम वो छोटे दुकानदारों को दिखाते हैं जो दुकान तो उनकी बहुत छोटी है लेकिन उनका स्वाद बहुत बड़ा है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें वारसी की लस्सी।